सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का 12वां सीजन काफी सुर्खियों में बना हुआ है। शो को लेकर हर दिन कोई न कोई ऐसी खबर सामने आ जाती है जिसकी वजह से इसकी चर्चा होने लगती है। लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने पिछले दिनों ये दावा कर सभी को चौंका दिया था कि मेकर्स कंटेस्टेंट की तारीफ करने के लिए जजेस को बोलते हैं। शो के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ गेस्ट को बुलाकर उनसे कंटेस्टेंट की तारीफ करने को कहा जाता है। इस विवाद पर शो के कई एक्स जज इस बात को मान भी चुके हैं, लेकिन अब शो के एक दूसरे जज जावेद अली ने इस पर कुछ अलग ही बात कह डाली है। जावेद ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है और कहा, मैं ये बात सुन काफी हैरान हुआ था क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। मैं जो महसूस करता था वही राय देता था। मुझे कहा गया कि झूठ मत बोलना क्योंकि लोगों को आपकी सच्चाई पता लग जाती है। आपको बता दें कि अमित कुमार ही नहीं, सुनिधि चौहान जिन्होंने सीजन 6 को जज किया था, एक इंटरव्यू में उन्होंने भी दावा किया था कि मेकर्स अपने टर्म्स पर चलने को कहते हैं। वहीं सुनिधि की बात पर रिएक्ट करते हुए जावेद ने कहा, फिर तो थोड़ा सोचने वाली बात है, मुझे नहीं पता कि ये हुआ होगा या नहीं, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। इसके अलावा जावेद अली से जब पूछा गया कि उनके हिसाब से इंडियन आइडल सीजन 12 की ट्रॉफी कौन जीतेगा, तो जवाब में उन्होंने कहा कि कोई एक नाम लेना मुश्किल है। जावेद ने 3 कंटेस्टेंट के नाम बताए जो शो जीत सकते हैं। उनकी लिस्ट में पवनदीप राजन, अरुणिता कंजीलाल और मोहम्मद दानिश शामिल है। आपको बता दें कि शो के स्क्रिप्टेड होने की बात का दावा पहले कई जजेस कर चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब इंडियन आइडल को लेकर सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले भी शो के जज रह चुके सोनू निगम और सुनिधि चौहान जैसे बड़े प्लेबैक सिंगर भी इस बात का खुलासा कर चुके हैं। वहीं सलीम मर्चेंट ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। शो के पहले विनर रहे यानी अभिजीत सावंत ने भी शो को लेकर सवाल खड़े किए थे। सोनू निगम ने शो में दुख भरी कहानी सुनाने की बात पर इसे रियलिटी शोज का मार्केटिंग का तरीका बताया था, जबकि सुनिधि चौहान ने बताया कि मेकर्स के अनुसार तारीफ करने से शो के बीच मौजूद असली टैलेंट खो जाता है। वहीं अभिजीत सावंत ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि शो में कंटेस्टेंट की सिंगिंग से ज्यादा उनके बैकग्राउंड पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं बात करें शो के फिनाले की, तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त को हो सकता है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। सीजन 12 और भी खास है इसीलिए क्योंकि ये रियलिटी शो का सबसे लंबा चलने वाला सीजन है। न्यूज़ तक ब्यूरो।